हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन जियोट्रोपिज्म। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ अ प्लांट शोइंग जियोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स। जियोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म रेफर टू द ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। द डायग्राम ऑफ अ प्लांट इज हियर। रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट, वेयर एज स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर पार्ट फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। नेम द प्लांट हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग्स। ग्रोथ ऑफ द स्टेम, द जिब्रेलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। प्रमोशन ऑफ द सेल डिविजन, फॉर दिस इट इज साइटोकाइनेज। इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ इज अकर बाय द एब्सिसिक एसिड एंड इलोंगेशन ऑफ द सेल इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन्स। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज नेम द हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। नंबर 1 थायराइड, नंबर 2 पिट्यूटरी एंड नंबर 3 पैंक्रियास ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इट सीक्रेट थायरोक्सिन हॉर्मोन। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी ग्रोथ। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट सीक्रेट ग्रोथ हॉर्मोन्स। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। पैंक्रियास ग्लैंड, इट इज अ ड्यूअल ग्लैंड एंड इट सीक्रेट्स इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकोजन। इंसुलिन रेगुलेट और डिक्रीज ब्लड शुगर, वेयर एज ग्लूकोजन रेगुलेट और इंक्रीज ब्लड शुगर। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हॉर्मोन बाय थायरॉइड ग्लैंड। इन केस ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अवर डाइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी डेट वी माइट बी सफर फ्रॉम गॉइटर। आयोडाइज सॉल्ट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन, सो एज टू अवॉइड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज अ गर्ल हैज ग्रोन एक्सट्रीमली टॉल एंड अ वोमेन हैज अ स्वेलन नेक। नेम द ग्लैंड एंड इट्स हॉर्मोन विच आर एसोसिएटेड विथ एवर प्रॉब्लम्स। अ गर्ल हैज ग्रोन एक्सट्रीमली टॉल ड्यू टू एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अ वोमेन हैज स्वेलन नेक ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ थायरोक्सिन हॉर्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट टू डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। द टू डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स आर, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वेयर एज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द साइट ऑफ सीक्रेशन एंड एक्शन इज सेम इन एंजाइम, द साइट ऑफ सीक्रेशन एंड एक्शन इज डिफरेंट इन हॉर्मोन्स। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS इन ह्यूमंस। द टू कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS इन ह्यूमंस आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्टेट द फंक्शंस ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। द फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर टू रिसीव टेस्ट, वेयर एज द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर टू रिसीव स्मेल। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम लाइट। हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स वाटर। कीमोट्रोपिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यू टू केमिकल अट्रैक्शन। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी।
Students, our next question is, trace the sequence of events through a reflex arc which occur when bright light is focused on our eyes. Reflex arc is when light enters to eye through sensory neurons, it reaches to central nervous system and then motor neurons through effector muscles. Our eyelids are closed. This is the reflex arc when bright light focused on our eye. Students, next question is, what do you mean by reflex action? Reflex action is defined as an unconscious, automatic and involuntary response of effector to a stimulus. It is controlled by spinal cord. Name the gap between two neurons. The gap between two neurons are called synapse. Name the largest part of hindbrain. Cerebellum is the largest part of hindbrain. Name the endocrine gland which perform dual function. Pancreas perform dual functions. It produce enzymes as well as hormones in our body.